गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द फास्टेस्ट टेक न्यूज ऑन यूट्यूब। यहाँ पे मैं आपके समय के कीमत को समझता हूँ और उसे रेस्पेक्ट भी करता हूँ, और उसके बदले में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स। आई होप आप करवा दोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशंस करके रखिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो छोड़ू आपको पता चल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। आज के वीडियो में जो पोल है, जो आप कमेंट पेज में जाके वोट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में पबजी गेम को बैन कर देना चाहिए। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि हाँ, नहीं, या फिर अगर बैन हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर जाके वोट करके बताइएगा। और आज का जो स्टार कमेंटर है वो है ऑल इन वन सक्सेना। थैंक यू सो मच मिस्टर सक्सेना फॉर योर लवली कमेंट। अगर सबसे पहले अपडेट निकल के आते हैं ROG 3 की तरफ से। ROG 3 का सबसे जो हायर एंड मॉडल है, जहां पे आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलता है, वो वाला स्मार्टफोन कल दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट से आपका उसका सेल स्टार्ट होगा। तो अगर आप उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो कल दोपहर 12 बजे आपको फ्लिपकार्ट में होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से जाके नोटिफाई मी करके रख सकते हो। बाय द वे, वीडियो छोड़ने के पहले एक घंटे में अगर आप कमेंट करते हो तो आपको 100% मेरे तरफ से रिप्लाई मिलता है। अगला वीडियो क्या आता है गूगल की तरफ से। गूगल ने लॉन्च कर दिया है कॉर्मो ऐप, यानी कॉर्मो जॉब ऐप उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अगर बंगाली में देखें तो कॉर्मो का मतलब होता है वर्क, और जॉब भी कह सकते हो आप। तो ये जो ऐप है, यहाँ पे जाके आप डिजिटल CV अपना बना सकते हो, और बनाने के बाद आपके CV के मुताबिक क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है वो आपको कॉर्मो ऐप से आप देख सकते हो, और जाके वहाँ से उसे अप्लाई भी कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज या फिर न्यू जॉब, डेफिनेटली जाके गूगल का कॉर्मो जॉब ऐप को चेक कीजिएगा। क्या था नोकिया की तरफ से, नोकिया ने लॉन्च कर दिया है अपना एक ऐसा स्ट्रीमिंग बॉक्स जो आपके टीवी को एक स्मार्ट टीवी बनाएगा। ये आपका अमेज़न का जो फायर स्टिक है उसको टक्कर देगा, फायर स्टिक जो 4K वाला है उसको। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपका फुल HD 60 FPS का वीडियो ये प्लेबैक कर सकता है, लेकिन इसमें 4K सपोर्ट नहीं करता है। इसमें आपको 1 GB रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, ये आपका डॉल्बी डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है, ये आपका एंड्रॉयड TV 9 का OS के ऊपर चलता है। इसके अंदर बिल्ट इन आपको क्रोम कास्ट मिल जाता है, और जो रिमोट है वहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स और Z5 का डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट से ये अवेलेबल है। प्राइस रखा गया है 3,499 रुपया। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, तो ज़रूर से आप कहिएगा कि आप क्या नोकिया का ये स्ट्रीमिंग बॉक्स लेना पसंद करोगे या फिर Xiaomi का जो 4K TV बॉक्स है उसे लेना पसंद करोगे। अगर अपडेट ये स्पेशली है जो लोग आसाम में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि आसाम में एक्सम नाम का एक डिजिटल केबल TV सर्विस प्रोवाइडर है। उन्होंने अपना ब्रॉडबैंड लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है एक्सम केबल TV सर्विसेज का ब्रॉडबैंड। अब ये जो एक्सम अक्षत बैंड है, इसे अगर आप लेना चाहोगे तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे प्लान्स यहाँ पे मिल जाएगा। 20 MBPS, 30 MBPS, 50 MBPS और 70 MBPS का प्लान आपको मिलेगा, जिसका प्राइस 599, 899, 999 और 1099 रुपीज़ है। आता है कि डिश TV यूजर्स और D2H के जो यूजर्स है उनको मिलने चला है नया 6 HD हाई डेफिनेशन चैनल्स उनको मिलने चला है। क्या क्या चैनल्स है, जी तमिल HD, जी तेलुगु HD, जी सीने मालू HD, जी केरलम HD, जी कनाडा HD एंड प्राइव HD। ये 6 चैनल्स आपके डिश TV और D2H यूजर्स के लिए नए तरीके से दिया जा रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए अपने डिश TV या फिर D2H में, जरूर से अपने ऑपरेटर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। अगला निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी का M01 का एक प्राइस कट हुआ है। इसका प्राइस था 8,999, उसका परमानेंट प्राइस कट होके एट प्रेजेंट प्राइस है 8,399। इसमें को क्या मिलता है, इसमें को 5.7 इंच का HD+ एक डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ऑक्टा कोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट मिलता है आपको। यहाँ पे 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 13 MP का एक प्राइमरी सेंसर और 2 MP का एक सेकेंडरी आपको कैमरा मिलता है, और 5 MP का सेल्फी, 4000 mAh का बैटरी आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो अभी प्राइस कट हुआ है, अभी जाके डेफिनेटली ले सकते हो। अगला बड़ा भी निकल के आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने इंडिया में जितने भी आपके 4G ऑपरेटर्स है और ब्रॉडबैंड
ऑपरेटर्स हैं उनको कहा है कि भाई इंडिया में आप लोग सर्विस तो काफ़ी सस्ते प्राइसेस में दे रहे हो, लेकिन स्पीड आपका इतना घटिया क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक निकल के आया है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 19.18 मिलियन वायर्ड ब्रॉडबैंड, यानी घर में जो ब्रॉडबैंड आपका यूज़ होता है वो यूज़र है, जिसमें घर में यहाँ पे 100 घर में से सिर्फ 7.6% घर में ही आपका ब्रॉडबैंड यूज़ होता है। यहाँ पे अगर स्पीड की बात किया जाए तो मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी 4G में आपका जो एवरेज स्पीड है वो है 12.16 Mbps, और आपका जो ब्रॉडबैंड है फिक्स ब्रॉडबैंड है वहाँ पे एवरेज स्पीड है 38.19 Mbps। अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यह है कि अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर श्योर, लेकिन अगर स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है उसमें 138 टोटल कंट्रीज में से इंडिया 129th पोजीशन पे है, और अगर फिक्स ब्रॉडबैंड की बात करें तो 174 कंट्रीज में से 74th जगह पे इंडिया है, जिससे डेफिनेटली इंडिया को और भी आगे जाना होगा। इसके लिए ट्राई ने पूछा है कि भाई स्पीड इतना क्यों कम है, इसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर इसके ऊपर ट्राई और थोड़ा सा दबाव डालेगा तो हो सकता है इन फ्यूचर आपका 4G और ब्रॉडबैंड का स्पीड्स और बढ़ जाए। अगला निकल के आता है कि जियो नी लाने चला है एक नया स्मार्टफोन इंडिया में ऑलमोस्ट एक साल के बाद। ये जो नया स्मार्टफोन है ये आपको फ्लिपकार्ट से मिलेगा, इसका नाम रखा गया है जियो नी मैक्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 4500 mAh का बैटरी मिलेगा। इसको छोड़ के दूसरा कोई और कोई स्पेसिफिकेशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस होगा 6000 rupees से भी नीचे। तो अगर किसी का काफ़ी बजट में एक स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली वो ले सकता है। अगला निकल के आता है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने नया दो प्लान लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपको एक है 448 rupees का प्लान, दूसरा है 599 rupees का प्लान। 448 में 28 डेज के लिए आपको डेली 3GB करके डेटा विथ अनलिमिटेड कॉल्स एंड 100 SMS, और उसके साथ आपको वहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन। और 599 में डेली 2GB करके 56 डेज के लिए आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिलता है विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड डेली 100 SMS, और उसके साथ भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई प्लान ढूंढ रहे थे तो आ गया है आपके लिए प्लान। निकल के आता है कि रियलमी का X7 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है चाइना में 1 सितंबर। यहाँ पे दो स्मार्टफोन लॉन्च होगा, एक होगा X7, एक होगा X7 Pro, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो सैमसंग ने बनाया है, और ये आपका 5G भी सपोर्ट करेगा। अब प्राइस क्या होगा और इंडिया में कब आएगा ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा। बाय द वे, क्या आप एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना पसंद करोगे? जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, कल सुबह फिर से मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलो बाय।